जय हिंद माय डियर, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमारे रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर था एनालॉजी, अब तक जो चैप्टर चल रहा था हमारा एनालॉजी चल रहा था, ठीक है, और इसका आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में आपके जो भी लेक्चर आएंगे वो सारे के सारे लाइव होंगे। लाइव में आपके आगे के चैप्टर सारे होंगे। केवल मैंने पहला वाला जो चैप्टर था एनालॉजी, उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो दे दी है। आज इसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम होता है मिक्स्ड एनालॉजी। इसमें आपके लिए अल्फ़ाबेट और नंबर्स को शामिल मतलब करने के बाद में क्वेश्चन दिया जाता है। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपका आ सकता है, किस टाइप से आता है, वो आपके लिए पहले मैं बता देता हूं। तो यहां पे आएगा द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट, और लेटर्स, अल्फाबेट कह लो या फिर लेटर कह लो, बात वही है। सम, प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स, इतनी सारी चीजों से आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। बात वही है, दो ही चीजें हैं केवल, पोजीशन को चेंज कर सकता है शब्दों की, अल्फाबेट की, ठीक है। सम आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है, जोड़ या फिर मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे दूंगा, जो जिसका आंसर आपके लिए मतलब कमेंट करके देना है, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म, फिल्म के एनालॉजी में 10 लिखा है और आगे दे रखा है होटल, और आगे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन में है 12A, बी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 15, सी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 18, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 30, ठीक है। आपको ये पता करना है कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये फिल्म के आगे 10 कैसे लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो इसे हमें देखना पड़ेगा, इस इन दोनों के रिलेशन को देखना पड़ेगा। F होता है आपको पता है 5वें नंबर पे, I होता है आपको पता है 9वें नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, M होता है आपका 13 नंबर पे, ठीक है। इन सारे नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन सारे नंबर्स का क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे। सम करने के बाद में यहाँ पे हमारे लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि 10 आ जाए। तो इन्हें जोड़ के देखते हैं, 10 10 20 20 और ये 30 30 और यहाँ पे आपका हो रहा है 40 40, यहाँ पे एक कम है, यहाँ होना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ अब हो रहा है ये 40, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ से एक ऐड कर लो तो ये 40 हो गया, ठीक है। अब 40 होने के बाद में हमें क्या करना है, 10 आना चाहिए। तो इसके कितने लेटर कितने हैं, ये देखो 4 हैं। अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये क्या आ जाएगा, 40 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये 10 आ गया, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट इस होटल पे अप्लाई करना है हमारे लिए, यही वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है, इस होटल पे अप्लाई करना है। इसके वर्ड में लिखता हूँ अभी, उसके बाद में देखो क्या करना है। यहाँ पे H है, O है, T है, E है और L है। H आपको पता है 8वें नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, और एल आता है 12 नंबर पे। अब इसका एडिशन कर लेते हैं, 5 और ये हो जाएंगे 20, 20 40 होते हैं, 50 और ये 8 और 2 60, तो ये 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। अगर मैं 60 के लिए 1 2 3 4 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10, स्टैंड फॉर 12। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह मिक्स्ड एनालॉजी आती है। देखो इसमें क्या है, नंबर्स भी है प्लस यहाँ पे लेटर भी है, अल्फाबेट, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करता हूँ,
इससे ज़्यादा आपकी मिक्स्ड एनालॉजी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मिक्स्ड एनालॉजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो लाइव में ही होगा, इसके बाद जो क्लास आएगी आपकी लाइव ही आएगी, ठीक। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ की सादृश्यता में लिखा है 14, 5, 23, 19 और यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर के आगे आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 16, 5, 16, 1, 18 ऑप्शन बी दे रखा है 18, 5, 16, 1, 16 ऑप्शन सी दे रखा है 16, 1, 16, 5, 18 और ऑप्शन डी लास्ट दे रखा है 32, 2, 32, 10, 36 ठीक है। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हाँ, तो ये देखना पड़ेगा इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, ठीक। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इनका नंबर, ये कौन से स्थान पे आते हैं, तो मुझे बता, देखो N है 14 नंबर पे आती है, E 5 नंबर पे आती है, W 23 पे आती है, S जो होता है 19 पे आता है, बिल्कुल सेम इसका ही ऐसा ही पैटर्न हम रख देंगे। P देखो भाई कौन से नंबर पे आएगी, P आपकी कौन से नंबर पे आती है, 16 नंबर पे आती है। A आपका कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, फिर से P आ गया आपका 16 नंबर पे, E आ गया आपका 5 नंबर पे, R आता है आपका भाई 18 नंबर पे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 16, 1 यहाँ पे 1, 16, 5, 18 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क के टाइप में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मतलब कमेंट में देंगे सभी लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड अगर लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आ रहा है एक्स एम ए ई, इसमें लिखा हुआ 16, आगे लिखा है बी टी एन जी, क्या होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है ए है 21, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 18, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मतलब कमेंट में देकर सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, ठीक, और आप लाइक कर लें वीडियो के लिए, शेयर कर दें, और लाइव क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी मेरी वाली, ठीक है, रीजनिंग की। अदरवाइज़ जितनी भी क्लास होंगी आज आपके लिए बोल दिया जाएगा टाइम क्या क्या रहेगा, और तैयारी जो है आप ठीक से प्रिपेयर होना स्टार्ट मतलब कर दें, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम हमें निकालना ही है। जय हिंद, जय भारत।